अगर कितने बड़े, बिल्कुल छोटे साइज के, देख रहे देख। गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि बाइक किसकी कोई हाथ ही नहीं, पसीना तो सूखता ही नहीं। फैन भी अब हवा, गर्म हवा दे रहा है, और यहाँ देख रहे हो 36 डिग्री गर्मी है भाई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में देख लिया, अब हम पहुँच चुके थे अगरतला, और रात को गाड़ी लगा ली थी, रात को 8-9 बजे आ गए थे, और अभी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, ये वाली मंडी है। तो यहाँ पे त्रिपाल वगैरह सब उठा दी, और पीछे से कर रहे हैं खाली, बोरियों में भर रहे हैं ये माल। तो चलो, अभी हम थोड़ा हाथ मुँह धो के आए, तो अभी चाय वगैरह पी के मैं पूरा यहाँ का व्यू दिखाऊँगा। और यहाँ पर आस पास मार्केट भी है छोटी सी, ये वाली ये चाय वाला खोखा है, अभी हम भी चाय पियेंगे इधर। तो अभी मैं चलता हूँ पीछे बैक वाली साइड, मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। ये वाला देख रहे हो, मोदी साहब का फोटो। तो भाई लोग, हो रही है हमारी गाड़ी खाली, अभी माल उतर रहा है, बोरियम भर रहे हैं, और बोरी वाले फटे एक दो निकाल भी दिए। यहाँ एक और गाड़ी भी थी साथ में, ये भी कर रहे हैं अभी खाली। तो ये मंडी का व्यू है आसपास, वहाँ पे केले, और यहाँ के खास केले दिखाता हूँ मैं भाई आपको, जो यहाँ के केले होते हैं ना भाई, देखिए यहाँ के केले कितने बड़े, बिल्कुल छोटे साइज के, देख रहे हो। चाहिए तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें। तो चलो, हम चाय वगैरह पी के आते हैं। चलिए आशिक भाई, चलिए आप चलते हैं, चाय पियेंगे, उसके बाद देखेंगे कितने बजे तक खाली होगा, है ना भाई? चलो ठीक है। तो ये सनी भाई हमारे हैं, यही रात को मैंने दिखाया था पिछले व्लॉग में कि ये भाई खाली करेंगे गाड़ी, तो कर ही रहे हैं अभी। ना सुबह सुबह है, सुबह सुबह का टाइम है, मार्केट तो पूरी बंद है, आप देख सकते हैं ये वाले, यहाँ तो दिन को रश होता है, यहाँ पर भी इतना रश होता है कि इस रोड पर चलना मुश्किल बात है। तो यहाँ चाय वाली दुकान है, तो चलो पीते हम चाय वगैरह। तो आपने आ गई है यहाँ पर चाय, आशिक भाई ले रहे हैं चीनी कम वाली चाय। आशिक भाई लाइए लाइए, तो हमारा आशिक भाई बैठ गया अभी रिक्शा पर। तो ये रिक्शा देख लीजिए आप, ये बैटरी पे सेट किया हुआ है, देख रहे हो, इसमें ये वाली मोटर लगी है इधर, ये तो बैटरी लगी है ये वाली, ये वाली मोटर वगैरह, ये तो बैटरी पे चलता है। कितने किलोमीटर दे देता है, किलोमीटर एवरेज? हाँ कैमरा है ये, कितना दाम है इसका? इसका 40,000 है, वो पूरा क्वालिटी में वीडियो लेता है ना। तो ये भाई का रिक्शा है, बहुत मस्त मस्त गाड़ी है भाई, देखिए देखिए, बोलो कुछ, बोलो बंगाली में, बोलो बंगाली में, बोलो बंगाली। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। आपका गाड़ी है? अपना गाड़ी है। कितना कमाता है दिन में? हाँ, तो हम जाएंगे अभी सब्जी वगैरह लाने, तो देखते हैं वहाँ पे क्या। मैंने अभी सुबह गया था मछली मार्केट में, तो वहाँ अगर मछली मिल गई तो मछली लाएंगे, है ना आशिक भाई? हाँ जी। तो आज मछली बनेगी हमारी गाड़ी में, तो देखेंगे आज कैसी बनेगी, अच्छी सी होनी चाहिए, आज मछली खाने का मन कर रहा है। Oh,
तो दोस्तों यहाँ पे टमाटर प्याज काट के रख दिया और मैंने ने आधी मछली डाल दी है इसमें, लेकिन अब मुझे लग रहा है भाई ये चिपक गई है इसके साथ में, लेकिन तेल हमारा दूसरा वाला था। तो दोस्तों मैंने खाना वगैरह बना दिया, सब्जी भी बना दी और यहाँ पे अभी मैंने चावल लगा रखे हैं। तो आशिक भाई गए हैं प्लेटें वगैरह धोने के लिए, वो जल्दी आते हैं और गर्मी से ना बहुत बुरा हाल हो गया भाई, क्योंकि हमारे ने फ्रंट शीशे पे भी कोई कपड़ा वगैरह तो डाला नहीं है जैसे कि बाइक की गाड़ी में डाला है बाहर से। हम भी कोई शीट अभी देखेंगे, खरीद के लाएंगे तो वो डालेंगे, क्योंकि यहाँ ना दिन भर गर्मी में मर जाएंगे। फ़ैन तो फैन भी हवा अच्छी नहीं दे रहा है, गर्म हवा दे रहा है, क्या है कर सकते हैं भाई, चलो करना है बर्दाश्त तो करना है भाई। गुड बाय गुड बाय गुड बाय। ये हमारा पड़ोसी है भाई, पड़ोसी पड़ोसी देखो भाई, हमारे में कोई नहीं है भाई कि हिंदू मुस्लिम कुछ भी, पड़ोसी पड़ोसी है, कोई चक्कर नहीं, हम यहाँ से वहाँ बांट सकते हैं अपना खाना, वहाँ से यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ठीक ठीक हाँ, चलो दो भाई मिल के खाना भी खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एक साथ में है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ट्रक वाले ये भी हमारी तरह सेम है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ट्रक वाले का ना कोई ठिकाना नहीं होता है ना भाई, है ना। हाँ ठीक है, खाना वाना हो रहा है, हमारा ठिकाना कोई नहीं है ट्रक वालों का, कभी यहाँ है आज यहाँ है कल क्या पता कहाँ होंगे, कोई पता नहीं कहाँ रहेंगे कहीं कहाँ नहीं रहेंगे। हाँ तो दो दोस्त है इधर भेंट हो गया। हाँ, फिर दोबारा मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। हाँ, क्या भरोसा है भाई, और ऊपर वाला का दाना है कहाँ मिलेंगे नहीं मिलना है, सही बात ठीक है, सही बात है। तो दोस्तों नहा धो के आगे हम गए थे बाथरूम, वहाँ पे नहाया अच्छी तरह, गर्मी बहुत थी ना, और अभी पानी हमारा ख़त्म हो गया, आशिक भाई वहाँ से पानी लाएंगे और उसके बाद खाएंगे खाना वगैरह। तो गाड़ी भी हमारी बिल्कुल खाली हो चुकी है, कुछ थोड़ा सा एक दो टन माल रहा है, वो भी अभी हो जाएगा कुछ टाइम में। टेस्ट करके देखो, टेस्ट करके देखो ना, ऐसा है अपने हाथ का है ना, तो इसमें टेस्ट तो ज़रूर होगा। टाइम ढाई बजने ही वाले हैं, बज ही चुके हैं, तो हम भी बैठे हैं गाड़ी में, आशिक भाई गए हैं पीछे गाड़ी को देखने की कितनी खाली होगी, लेकिन हम पहले नहा धो के आए थे, फिर थोड़े खाना वगैरह खा के सो गए थे, और अभी जाके भाई इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि भाई किसी कोई हाथ ही नहीं, पसीना तो सूखता ही नहीं, फ़ैन भी अब हवा गर्म हवा दे रहा है, और यहाँ देख लो 36 डिग्री गर्मी है भाई, पूरी 36 डिग्री गर्मी है, क्या करेंगे, बहुत गर्मी है, फंस गए यार। तो गर्मी में ना मैं तो चलो मुझे थोड़ी बहुत आदत ही है, मैं संभाल लेता हूँ, लेकिन आशिक भाई रो रहे हैं, उसको वो कहीं टिक ही नहीं रहा है, यहाँ से उठ के वहाँ भाग रहा है, वहाँ से उठ के वहाँ भाग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो चलो क्या ही कर सकते हैं, करना है भाई बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है, जब कुछ करेंगे तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो चलो अभी पीछे चलते हैं, देखते हैं गाड़ी की क्या पोजिशन है, गाड़ी खाली हो गई या नहीं, और एक वाटरमेलन भी लेके आए थे रास्ते में, तो हमारा हक था जितने निकाल के खा सकते थे उतने खा रहे थे, लेकिन अब हमने ये वाला एक ना मांग के लाया है, तो इसको अभी हम काटेंगे तो इसको अब खाएंगे हम। तो चलो पहले देखते हैं गाड़ी में कितना माल बच चुका है। तो दोस्तों गाड़ी खाली हो गई है और देख रहे हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा माल बचा है, और बाइक की गाड़ी भी वहाँ पर खाली होगी, होगी आपकी भी, हम भी खाली हो गया, अभी अभी जाने वाला है, अच्छा भाड़ा वाड़ा लेना है। हाँ तो चलो भाई यहाँ पे भाड़ा वगैरह लेके और निकलेंगे जल्दी जल्दी गाड़ी की, कहीं सर्विस करेंगे, धूप के बचने के लिए भाई ये रखना पड़ता है इधर। यहाँ पे आके हमारा भाई एक स्टेयरिंग कवर भी लेके, बहुत बढ़िया बढ़िया मटेरियल है इसके पास, और अंदर का केबिन माला भी है, माला और क्या है खास, बहुत चीज़ है दोस्त हमारे पास, स्टिकर है, रेडियम है, केबन ज़्यादा, रेडियम क्या है कितने का है। तो दोस्तों बिल्कुल हो चुकी है अपनी गाड़ी खाली, देख रहे हैं अभी ये घास वगैरह थोड़ा सा बचा है, तो ये इसके लिए ये वाली गाड़ी आ चुकी है, इसमें डाल के ले जाएंगे घर पे, गाय वगैरह खाएगी, और ये कुछ माल थोड़ा सा गिरा हुआ है भाई, ये भी ले जाना है, ये हाँ ये ले देगा अलग ना, हाँ ये भी ले जाना। तो चलो यहाँ से हो गया कंप्लीट, और भाड़ा वगैरह लेके यहाँ पे हम निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, अब रह गई त्रिपाल का काम, त्रिपाल भी अभी थोड़ी उठा देंगे। तो बाबू जी दोस्तों आ चुके हैं हम गाड़ी के ऊपर, और अभी ये वाली त्रिपाल देख रहे हो, ये हम उठाएंगे, इसको जमा कर देंगे अंदर, तो गाड़ी बिल्कुल खाली, जो घास वगैरह था ले गए ऑटो वाले। आशिक भाई देखो कहाँ चढ़े, आशिक भाई देखना भाई नीचे ना गिर जाए भाई,
यहाँ ना हवा भी है थोड़ी बहुत। चलो चलो हाँ 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 हवा तो दोस्तों पहुंच चुके थे KFC ट्रांसपोर्ट पे और गाड़ी वगैरह सब खाली होगी, भाड़ा वगैरह सब हो गया था और यहाँ पे लगा दी अपनी गाड़ी, ये देख रहे बिल्कुल सामने। और यहाँ पे और गाड़ियाँ भी बहुत सारी हैं पीछे, JK नंबर वगैरह सब लगी हुई। तो करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट किया करो और बाइक स्पोर्ट बनाए रखो, वीडियो शेयर भी ज़रूर किया करो और अपनी राय ज़रूर रखा करो। तो चलो करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड, तो मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।